हेलो प्ले क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। प्ले क्लास, आज आपका जीके की बुक का टर्न है, जो आपकी बुक है माय लिटिल पिक्चर बुक। और लास्ट टाइम हमने आपको आपका इंट्रोडक्शन सिखाया था कि आपको अपना नाम किसी को बताना हो तो कैसे बताएंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी आपकी फैमिली के बारे में। तो आइए चलते हैं बुक में। तो प्ले क्लास, आपका फर्स्ट चैप्टर है माय फैमिली। तो आज इस बुक में हम पढ़ेंगे कि आपके फैमिली में कौन कौन मेंबर्स होते हैं और आप उन्हें क्या क्या कहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सोफा पर बैठे हुए हैं उनसे। तो सोफे पर जो आपको बूढ़े, जिनके जो हेयर हैं वो थोड़े ग्रेश वाइट हैं, मतलब थोड़े से काले, थोड़े से सफेद और बूढ़े बूढ़े से नजर आ रहे हैं, वो हमारी फैमिली में सबसे बड़े लोग होते हैं, सबसे बुजुर्ग, और उन्हें हम कहते हैं ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। जो मेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रैंड फादर, जिन्हें आप हिंदी में दादाजी भी कहते हैं, और जो फीमेल होती है उन्हें हम कहते हैं ग्रैंड मदर यानी दादी जी। तो दादी और दादाजी हमारे घर में सबसे बड़े होते हैं। अब उनके पास बैठे हैं बॉय और गर्ल। तो आप अपने आप को ये समझेंगे तो ये जो लड़की है वो आपकी सिस्टर होगी, और अगर आप लड़की हैं तो ये जो लड़का है वो आपका ब्रदर होगा। तो यहाँ ब्रदर और सिस्टर बैठे हैं, दोनों भाई बहन, और उन्हें ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बहुत प्यार करते हैं। जो लड़की है उसके हाथ में उसका टॉय भी है जो कि वो हमेशा कैरी करे घूमते हुए। अब आगे चलते हैं। अब साइड में जो हमें मेल और फीमेल दिख रहे हैं वो है फादर एंड मदर। तो हमारी फैमिली में फादर और मदर भी होते हैं, फादर मतलब पापा और मदर मीन्स मम्मी। उनके बाद जो हमारी फैमिली में बड़े होते हैं वो होते हैं आंट एंड अंकल। आंट एंड अंकल को आप चाचा चाची जी भी बोलते हैं और ताई जी ताऊ जी भी बोलते हैं। तो आंट जो है उन्हें चाची जी बोल सकते हैं या फिर ताई जी, और जो अंकल है उन्हें हम चाचा जी बोलते हैं या फिर ताऊ जी बोलते हैं। इनके बाद आते हैं हमारे कजन। कजन होते हैं जो हमारे बहन भाई होते हैं, जैसे चाचा चाची के बच्चे या फिर ताई जी ताऊ जी के बच्चे, जो भी हमारे और बहन भाई होते हैं हमारे अपने बहन भाई से अलग, उन्हें हम क्या कहते हैं कजन। तो जितने भी आपके कजन हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। उसके बाद आते हैं नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी, यानी कि हमारी सिस्टर की लड़की हमारी भतीजी लगेगी, तो इसे कहते हैं नीस। उसके बाद है नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स भतीजा, यानी सिस्टर की, सिस्टर का जो लड़का होता है उसे हम भतीजा कहते हैं। उसके बाद आता है पैट। पैट हमारे घर में जनरली हम कोई पालतू जानवर भी पालकर रखते हैं, चाहे वो डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, पैरट हो सकता है, कोई भी पैट एनिमल हमारा हो सकता है। तो हमारे फैमिली में जनरली पैट भी मिलता है। और उसके बाद घर में जो सबसे छोटा मेंबर होता है वो होता है बेबी। तो जनरली फैमिली में बेबीज भी देखने को मिलते हैं, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। तो ये सब हमने पढ़े कि फैमिली में कौन कौन लोग होते हैं। अब इन सब में से हो सकता है आपकी फैमिली में अंकल आंट हो सकता है वो ना भी हो सकता है ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो सकता है वो ना भी हो। तो आपकी फैमिली में कितने भी लोग हो सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, ये पूरी बुक में पढ़कर अपना चैप्टर और अपनी फैमिली में काउंट करने हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और कौन क्या क्या है, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है। और उन सबको आज से आप हिंदी में उनको कहने की बजाय आज से आप उन्हें इंग्लिश में कहना शुरू करेंगे। जैसे दादी जी को आप कहेंगे ग्रैंड मदर, दादा जी को आप कहेंगे ग्रैंड फादर, चाची जी चाचा जी को कहेंगे आंट एंड अंकल, और ताई जी ताऊ जी को भी आप कहेंगे आंट एंड अंकल, और इसी तरीके से आप सभी के नाम अब इंग्लिश में लिया करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।